यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज एक टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में दोस्तों। और आज के इस वाले एपिसोड में आप टर्बो एक्सट्रीम को तो दोस्तों जानते ही होंगे, जो अपने आर्नी भाई हैं भाई, उनकी यहाँ पर हायाबूसा भाई माइकल दादा ने फाइनली भाई परचेज कर ही लिए, ठीक है ना। और हायाबूसा भाई दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज बाइक है। और आज दोस्तों हम उस बाइक की दोस्तों यहां पर जो राइड वगैरह करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो यार मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, और बहुत दिन हो गए मैंने ऐसा कोई राइड वगैरह भी नहीं किए, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं अपना थोड़ा राइडिंग सूट मेरे पास ये भी अच्छा लग रहा है, फिर स्विमिंग वाला है, ये भी अच्छा है, सूट तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये सब सूट्स अच्छे हैं। बट सबसे ज़्यादा अच्छा सूट ना जो रेसिंग के लिए बनाया गया वो ये है, चलिए मैं पहन लेता हूँ, बढ़िया। कोई बात नहीं, अब बाइक तो दोस्तों रेड कलर की है, आई होप कि आपको पता होगा यार टर्बो एक्सट्रीम की बाइक जो है रेड कलर की है दोस्तों, हायाबूसा। तो सही है, चलो यार इतना भी ज़्यादा अगर मैं सोचूंगा ना कि मतलब वही लेनी है ये वो, तो भाई ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ता ही है। जाने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना जो मेरा फेवरेट जूस है जो अमेंडा मेरे लिए बनाती है गाइज, मैं वो पीने वाला हूँ। इसे पीने से क्या होता है भाई, जो है ताकत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर हम जो अपना टास्क जो है भाई बहुत अच्छे से यहाँ पर कम्प्लीट कर पाते हैं। चलिए फाइनली दी वन एंड ओनली हायाबूसा, बैठता हूँ मैं इसके ऊपर। पहले इसको आगे निकाल लेते हैं बाहर को, देखो यार वही आर्नी भाई वाली है दोस्तों या फिर नहीं है, अब आपको बताएं दोस्तों एक बार प्लीज़ कमेंट करके कि वो आर्नी वाली हायाबूसा है गाइज ये या फिर गाइज नहीं है। देखो यार लुक एट दिस बाइक यार, आई मीन हायाबूसा कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है दोस्तों। यहाँ पर पीछे से इसके जो लोगोज है वो हल्के से ब्लैक कर दिए गए हैं, एक्रोपोविक की इसके अंदर दोस्तों फ़िलहाल जो एग्जॉस्ट वगैरह हैं, टेल तो खैर नहीं है भाई बाइक की, और फुल ही मॉडिफाइड है। चलिए दोस्तों इसको राइड करते हैं, खैर मेरा सूट भी आ रहा सही होता तो और भी मज़ा आ जाता। ओके ब्लैक हेलमेट, क्या बात है, वैसे भाई पूरी राइडिंग वाली फीलिंग तो आ रही है। देखो दोस्तों जो बात है, बाइक तो भाई देखो बहुत खूबसूरत लग रही है यार ये बाइक की, ऐसे वो नहीं है कि बाइक बिल्कुल बकवास है या फिर बाइक अच्छी नहीं है, बाइक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ना मैं बाइक को जो भगा रहा हूँ तो भाई पता चल रहा है कि हाँ कोई चीज़ है, और मैं इसका टॉप एंड भी दोस्तों निकालूंगा, वो ना हम सीधा हाईवे पर ही निकालेंगे भी। यहाँ पर तो देखो गाइस थोड़ी सी बाइक ना ओवरहीट हो सकती है ट्रैफिक के अंदर, तो मैं जल्दी से जिगजैग करके बाइक को जो है जल्दी से ट्रैफिक से निकालता हूँ। और जो गाड़ी के अगर रेडिएटर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ैन ना चले तो अच्छा ही होगा, एयर अच्छी से लगती रहे तो भाई फ़ैन जल्दी से गाड़ी का यहाँ पर जो है ऑन नहीं होता है, वरना तो बस भाई बस तुम्हें नहीं पता फिर क्या हो जाएगा। भाई पिकअप काफ़ी अच्छा है बाइक का, मानता हूँ मैं पिकअप दोस्तों A1 है, A1 जिसको कहते हैं ना वो है दोस्तों पिकअप। तेरी ऐसी तैसी ओए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यार थोड़े से तो भाई देखो स्क्रैची जब गाड़ी बाहर निकलती है तो भाई देखो यार लगते भी हैं। अब आप ये मत बोलना कि नहीं आरिश भाई नहीं लगते हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, भाई भैया लगते हैं ठीक है ना। अभी चलो कोई नहीं, हम इसको ना आगे चल के सबसे पहले फिक्स कराएंगे दोस्तों, फिर हम जो आगे निकलने वाले हैं। बाकी गाड़ी देखो यार, आई मीन क्या ही चल रही है दोस्तों, क्या गाड़ी चल रही है, हॉर्न मारते हुए चलो ताकि भाई जो भी बंदा 199 200 तो आराम से टच करता हूँ मैं, बस 200 से ऊपर गाड़ी को ले जाना। देखो भाई महाभारत भी है और बेकार भी है, 200 तक लगा दी गाड़ी, बस 213 मेरा तो हल्के हल्के बस चल रहा हूँ भी मैं, बस मैं दोस्तों मैंने 600 cc खोल रखी है, 800 cc खुली हुई है, आई डोंट नो 1000 cc खुली हुई की शायद, तो 200 गाड़ी भाग रही है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। टॉप स्पीड इसकी 300 है बस, 200 पर दोस्तों बाइक का भागना बहुत बड़ी बात होती है यार। चलो इसको ना इधर से फिक्स कराएंगे, बढ़िया क्या बात है, ये देखो कुत्ती
ये थोड़ा सा बॉय हो जाता है यार, ये गलती से हो गया दोस्तों। आई मीन माइकल दादा यार थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही गाड़ी को लेकर के? भाई हायाबुसा मिल गई पे, भाई हायाबुसा ही तो, थोड़ा आराम से चला लो। अरे नहीं भाई की हायाबुसा मिल गई तुम्हें, अरे नहीं भाई की हायाबुसा मिल गई, टर्बो एक्सट्रीम की हायाबुसा। थोड़ा बंदा टर्बो एक्सट्रीम भी अगर इस वीडियो को देखेगा ना, टर्बो एक्सट्रीम भी ये बोलेंगे अरे क्या ही चला रही हो तुम। चलो दोस्तों फाइनली हम आ गए यहाँ पे, चलिए बढ़िया। $180 मुझे पता दोस्तों, ज़्यादा पैसे नहीं लगने इसमें। $180 में सिर्फ पेंट पेंट का ही काम था और ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं था, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा झुक कर आराम से चलाते हैं, झुक कर भी देखो भाई बाइक बहुत ही प्यारी चलती है। अब ज़रूरी नहीं कि तुम बाइक को थोड़ा लीन करके ही चलाओ, यहाँ पर राइडिंग का मज़ा ही यार ऐसे है। देखो बट ऐसी बात नहीं दोस्तों, हायाबुसा ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, हायाबुसा अच्छे से ऑफ रोड भी करती है। ये देखो कितने अच्छे से, और बाइक की गोल्डन चेन है तो बाइक और भी ज़्यादा खूबसूरत गाइस यहाँ पर जो है दिखाई देती है। आराम से बढ़िया, थोड़ा ना इसको आगे लेकर ही चलता हूँ यार मैं बाइक को। थोड़ी सी आगे से हैवी है ना, इस वजह से थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है संभलेगी नहीं, बट संभलती है भाई पूरी। स्टंट दिखाने का टाइम आ गया थोड़ा सा। ये है दोस्तों बर्नआउट बाइक के, बाइक के बर्नआउट चेक करो यार, देख रहे हो बाइक के बर्नआउट चेक करो यार दोस्तों, क्या ही गजब क्या ही खतरी, देख रहे हो। ओ माय गॉड, एक नंबर दोस्तों, एक नंबर यार, अमेजिंग। कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया यार मैंने बर्नआउट के चक्कर में। अब इसका टायर महंगा लगेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा फटका लगेगा, लगने में लग गया, बस लग गया। अभी देखते हैं इसका दोस्तों टायर टायर कितने का है, आज पता चल जाएगा कि मतलब हायाबुसा का आई मीन टायर ही दोस्तों यहाँ पर कितने का है, ठीक है ना। चलिए एक बारी आराम से, ओके आज पता चलेगा दोस्तों हायाबुसा का यहाँ पर टायर ही कितने का है, भाई साहब भयंकर। चल 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 आराम से आराम से आराम से, अबे चल बैलेंस तो बना के चली रही है गाड़ी, बैलेंस आउट भी हो रही है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो बैलेंस आउट भी गाड़ी हो रही है थोड़ी बहुत, अब क्या ही कर सकता हूँ यार मैं इस चीज़ में, मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता ना, एक जगह रेस थोड़ी ना फंसी रहेगी। एक जगह रेस भी फंसी हुई है, बढ़िया। चलो $100 का यानी कि ₹7,000 का इसका टायर दोस्तों यहाँ पर जो है मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों मैं इस बाइक को जो है जो इसका सुपर मोटो मोड है वो जो ए मोड या सी मोड जो भी होता है जिस पर टॉप एंड भागते हैं वो वाला मोड ऑन करता हूँ, फिर आपको एक बार हाईवे मोड है आई थिंक सो जो मैंने यहाँ पर जो बाइक के अंदर लगाया है, और उसमें जो सीधा हाईवे पर जानता, हाईवे आज खाली है बहुत अच्छी बात है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है तो भाई मेरे पास तो परमिशन है, ठीक है ना। तो चलिए 3, 2, 1 देख रहे हो 300 से फिर भी ऊपर ही चली जाएगी थोड़ी सी, हाँ देखा टॉप स्पीड 350। असल में थोड़ा ढलान वाला इलाका ना इसलिए 350 दिखा रहा है, मैंने जाती नहीं है 350, 330 वगैरह। अब टर्बो पाजी ने थोड़ी सी आर्नी पाजी ने इसको ट्यून करा रखी है तो वो बात अलग है भाई, गाड़ी की लाइट जला देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हो जाए भाई, दूर से बहुत तेज़ बाइक आ रही है कोई, और हाई स्पीड्स पर मैं टर्न लेने की कोशिश करूँगा और देखूँगा क्या हायाबुसा इतनी ज़्यादा सही है टर्न्स वगैरह लेने में बिल्कुल अपनी टॉप स्पीड पर। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक मारने पड़ गए भाई बट सही था। वेयर इज माय बाइक, भैंस की टांग, गाड़ी कहाँ गिरी है जाकर यार,
ड्रोन से भी उतरी। हाय पूछा, देखो दोस्तों कितनी दूर आकर गिरी है। शिट यार, बाकी ऐसा हो सकता है। बाकी देखो मैं चाय पी रहा हूँ इतने बड़े मग्गे के अंदर। आप सभी लोग कैसे पीते हो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताओ दोस्तों। जब थोड़ा सिर विर में दर्द होता है ना दोस्तों तभी पीनी चाहिए, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा नहीं पीता मैं। चलो अब देखते हैं चल के, आई मीन बाइक का क्या ही हाल यार यहाँ पर हुआ होगा। चल माइकल दादा भाग यार, आई मीन माइकल दादा से भी यार देखो दोस्तों भागा नहीं जा रहा है, आई मीन गाड़ी को देखने के बाद। अभी देखते हैं यार जाकर क्या ही हुआ होगा बाइक के साथ। ओ भैंस की टांग, कुछ नहीं हुआ बाइक को इतना ज़्यादा। अब भी बाइक वही मौज में है दोस्तों। तो यार आई होप कि दोस्तों यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का राइडिंग वाला एपिसोड आपको हमारा कैसा लगा और आपको टर्बो एक्सट्रीम की दोस्तों ये हायाबूसा कैसी लगी एक बार प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब। अब से मैं आपको बता दूं एक ही टेक्निकल पॉइंट पर दो वीडियोज़ आया करेंगी, ठीक है। अब एक लॉन्ग वीडियो नहीं आएगी, दो शॉर्ट वीडियोज़ आया करेंगी सुबह को एक शाम को, कुछ रीच वगैरह की वजह से, ठीक है ना दोस्तों। तो समझा करो यार। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।